सफलता का पहला आध्यात्मिक नियम दीपक चोपड़ा से लिखा हुआ। मैं डॉक्टर दीपक अगर आपका स्वागत करता हूं। पहला आध्यात्मिक नियम जो है, फर्स्ट स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस इज लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। इसका मतलब यह है कि आप जो है वो अनगिनत संभावना हो, पवित्र संभावना और अनगिनत क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मक कार्य कुछ भी कर सकते हैं, और आप प्योर मतलब एकदम सात्विक, एकदम पवित्र संभावना आप हो, अनगिनत संभावना आप हो। सेल्फ, इसको कुछ धर्म में, हिंदू धर्म में उसको आत्मा कहा है, परमात्मा कहा है, कोई सेल्फ बोलता है, कोई पॉसिबिलिटी बोलता है, कोई कुछ नाम देता है, अलग अलग इसमें अलग अलग नाम दिए हैं, मतलब वो है सेल्फ। तो अपना जो सेल्फ है, तो सेल्फ के बारे में ये लॉ है कि सेल्फ जो है उसमें कुछ भी संभव है, एनीथिंग। और जब सेल्फ मतलब ओन सेल्फ, जो हम लोगों को बता रहे हैं वो सेल्फ नहीं है एक्चुअली। जो लोगों को बता रहे हैं, लोगों के साथ में जी रहे हैं, वो तो हमने मास्क पहना के रखा हुआ है। एक मास्क है बाहर से दिखने वाला, उसको बोलते हैं परसोना। और परसोना का मतलब होता है पर्सनैलिटी। तो आप बाहर से कुछ बताते हो कि मैं कौन हूं, एक्चुअली अंदर से अलग ही है। तो सेल्फ रेफरल से आप जीते हैं तो एक्चुअली आप बहुत ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। ये नियम इसलिए बताते हैं कि देखिए कि भाई आप जितनी ज्यादा एनर्जी डालोगे उतना ज्यादा थक जाओगे और उतने कम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जो सेवन स्पिरिचुअल लॉज है, लॉज ऑफ सक्सेस में बताया गया है कि आप कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स कैसे पाओगे। तो फिर कम से कम एनर्जी कब खर्च होंगी कि भाई जब आप पॉइंट ऑफ सेल्फ रेफरल से जीते हो। सेल्फ रेफरल मतलब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरे जिंदगी का, ना कि लोगों के हाथ में। यूजुअली लोग ऑब्जेक्ट रेफरल से जीते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरल मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है, जो हमको कंट्रोल करने वाला है वो कौन है, वो ऑब्जेक्ट है बाहर का, और वहां से हम जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। ऑब्जेक्ट रेफरल में क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसमें हमको बहुत ज्यादा नीड होती है। नीड कौन सी होती है कि लोगों को कंट्रोल करने की, लोगों को बताने की, लोगों ने अच्छा बोलने की, लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों ने एक्नॉलेज करना चाहिए, लोगों ने वाह वाह करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, लोगों के ऊपर मैंने कंट्रोल करना चाहिए, लोगों के ऊपर मैंने हावी होना चाहिए, और मैं कितना पावरफुल हूं बताना चाहिए। ये पावरफुल हूं क्यों बताने का है, क्योंकि अंदर से डरा हुआ इंसान है, तो बाहर बताना पड़ता मैं पावरफुल कितना हूं, इसलिए बाहर पावरफुल बताने का है। अंदर से तो डरा हुआ इंसान है पूरा। आप लोगों को जो बताते हो वो है आपका ईगो, वो है आपकी आइडेंटिटी, और वो ईगो या आइडेंटिटी वो आप असल में नहीं हो, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो है आपका मास्क पहना हुआ पर्सोना है। वो जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी को, वो जो अहम है, वो जो अहंकार है, उसको लोगों को कंट्रोल करने का है, लोगों के ऊपर हावी होने का है, लोगों को नीचे बताने का है, और मैं कैसा बड़ा हूं ये बताने का है। मगर यदि आप सेल्फ रेफरल से जीते हो, मतलब बाहर का कुछ संबंध नहीं है, बाहर से कुछ कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी हुआ तो भी कुछ भी नहीं होता है। कोई चैलेंज आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसने अच्छा बोला तो भी फर्क नहीं पड़ता, किसने बुरा बोला तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के ऊपर नहीं हूं, ना मैं किसी के नीचे हूं, मैं जो हूं वो हूं, और जैसा हूं वैसा हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मुझे किसने क्रिटिसाइज किया, मेरी आलोचना की, मुझे बड़ा बुला कहा, कुछ कहा, तभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है मुझे, क्योंकि सेल्फ रेफरल में हम एक्चुअली मैं कौन हूं उसका अनुभव लेते हैं, लोगों के ऊपर नहीं। और जब सेल्फ रेफरल से आप जीते हो तो आपको मतलब मैं मेरे ऊपर रेफरल हूं, मैं मेरी मुझे मालूम है मैं कौन हूं, और मैं वहां से जाता हूं, लोगों के नहीं, लोगों के हाथ से नहीं, लोगों के कंट्रोल से नहीं, मेरे कंट्रोल से। तो मुझे मालूम है मैं कौन हूं, और फिर मुझे ना डर है ना कोई चिंता है, बिना डर बिना चिंता का मैं जी रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं। तो भी ये यदि मैं कौन हूं और मुझे ये प्रैक्टिस करना है, तो फिर मैं कौन हूं और मैं सेल्फ रेफरल प्रैक्टिस करना है तो क्या करना चाहिए। नंबर एक, मैंने प्रैक्टिस करना चाहिए साइलेंस। साइलेंस मतलब मौन व्रत धारण करना। एक तो पूरा मौन व्रत धारण करो,
पुराने जमाने में लोग मौन धारण करते थे, जैन धर्म में अभी भी बोलते हैं कि नहीं नहीं सात सात दिन बात नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है। कुछ लोग एक दिन के लिए नहीं करते, कुछ लोग नवरात्रि में नौ दिन नहीं करते हैं बातचीत। आप रोज ऐसा कर सकते हैं कि मौन व्रत धारण करना, साइलेंस में बैठना, हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 5 घंटे, हो सकता है 5 दिन, पर साइलेंस में जब बैठेंगे तो अंदर की जो आवाज़ है वो बहुत शुरू में आएंगी और फिर धीरे 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 शांत हो जाएगी और आप सेल्फ रेफरल के स्टेट में आओगे। तो साइलेंस की प्रैक्टिस करना नंबर एक। नंबर दो, आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेडिटेशन करना रेगुलरली, कोई भी प्रकार का मेडिटेशन आप करते हो जिसमें आप अपने श्वास के ऊपर नज़र रखते हो, अंदर बाहर जा रहा है, एनर्जी अंदर आ रही है, एनर्जी बाहर जा रही है, या फिर अपने विचारों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और एक सित्तप्रज्ञ पोजीशन लाने की कोशिश करते हो, मेडिटेशन करना दूसरा। तीसरा जो है वो है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, और इसका मतलब ऐसा है कि मैं किसी को भी जज नहीं करूँगा, किसी को भी मैं अच्छा है बुरा है, काला है गोरा है, असली है नकली है, कोई कुछ भी नहीं कि अक्ल नहीं है मूर्ख नहीं है मूर्ख है जो भी है कुछ भी नहीं करूँगा। यस, और लोगों को इवेल्युएट नहीं करूँगा कि भाई कैसा है ये। तो ये जब ये, क्योंकि ये कहाँ से आता है, ये मेरे इंटरनल डायलॉग से आता है, ये मेरे अंदर की आवाज़ से आता है। तो अंदर की आवाज़ शांत करने का तरीका ये है कि लोगों को जज मत करो, लोगों को असिस मत करो। तो फिर साइलेंस है, मौन व्रत, मेडिटेशन है और नॉन जजमेंट है, इससे आपके अंदर की आवाज़ जो है बहुत शांत हो जाएगी और आपको एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। फिर और एक मार्ग बताया है, चौथा मार्ग वो है कि मैं नेचर के सानिध्य में जाऊंगा। आप जब नेचर के सानिध्य में कुछ टाइम बिताते हो तो आप अपने आप से जुड़ जाते हो, अपने को पहचानना चालू कर सकते हो, अपने आप से रिश्ता आप जमाते हो। और नेचर में जब जाते हो आप, हो सकता है कि फूल खिलते हुए दिखेंगे, मतलब कलियाँ खिल रही है, फूल बन रहे, नदी बह रही है तो नदियों के पानी की आवाज़ आएंगी, समुंदर है समुंदर के पास में खड़े हो तो समुंदर की जो बड़ी बड़ी लाटाएँ जो है वो किनारे पे आ रही है और वो उसकी आवाज़ आप सुन रहे हो, हवा आ रही है तो हवा का आवाज़ सुन रहे हो और आप एकदम निसर्ग के नेचर के साथ में हो और कुछ टाइम नेचर के साथ में आप बिताते हो। हो सकता है कि आप सूरज उगता हुआ दिखेंगे, सूरज डूबता हुआ दिखेंगे, कहीं भी जो भी नेचर में आप अपना स्पेंड कर रहे टाइम बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो ये आप सभी तरह की प्रैक्टिस करते हो। नंबर एक है साइलेंस मतलब मौन धारण करना, नंबर दो है मेडिटेशन, नंबर तीन है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, किसी को जज करना ही नहीं और ओपिनियन देना ही नहीं, और नंबर चार है बी विथ नेचर। तो ये करते हो तो आप लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी ऑब्जर्व कर रहे ऐसा होगा जिससे आपको कम एनर्जी में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि आप सेल्फ से काम कर रहे हो, योर ट्रू सेल्फ, योर ओन सेल्फ, योर नेचुरल सेल्फ, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे, ना कि आपके ईगो से। थैंक यू वेरी मच।